हे गाइस, मैं एडवांस वेवली इस साइनिस वियल डामा को 7 महीने पहले ही एक्सप्लेन की थी। एक्चुअली गाइस, मुझे एपिसोड 1 इसीलिए डिलीट करनी पड़ी क्योंकि एपिसोड 1 में 2 वर्ड यूज की थी जो डामर में यूज की गई थी। वो वर्ड एस से शुरू होती है। एक्चुअली यूट्यूब का रूल है कि ऐसे वर्ड यूज करने से चैनल पर स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, इसीलिए मुझे एपिसोड 1 डिलीट करनी पड़ी। और जो भी हो, मैं उस एपिसोड को डिलीट करने के बाद फिर से एपिसोड 1 एक्सप्लेन करके शेयर कर रही हूँ। एडवांस ब्रीफली एक बीएल डामर है। यहाँ दो मेन मेल कैरेक्टर का नाम है जिया याओ और युआन जोंग। जिया याओ का जन्म एक अमीर और पोसिडो बंस के साथ हुआ था और युआन जोंग का एक ट्रेनिंग बॉडीगार्ड कंपनी है। उसका माता पिता नहीं है। वो अपनी छोटी बहन युआन आर्यू के साथ रहता है। एपिसोड के शुरुआत में हमें चाइना और अमेरिका के बीच फाइटिंग कंपटीशन दिखाई जाती है। यहाँ पर दो बॉयज बात कर रहा होता है। एक बॉय कहता है, यह कमीने बहुत भयंकर है जिसके कारण हमारे लोग उदास है। उस मैदान में जो फाइट कर रहा है उसका नाम मिस्टर लोक है। दूसरा बॉय कहता है, बहुत बुरा हुआ है, कोई लोग स्टेज से बाहर हो गई है। तभी दो लड़कों में से एक बॉय चिल्लाते हुए मिस्टर लोक से कहता है, भाई उठ जाओ, हमारे लोग हार जाएगा। फिर मिस्टर लोक हार जाता है। जिया याओ किनारे पर बैठी थी। वो अन्य लोगों के बातें सुन रहे थे। फिर लड़ाई के लिए चाइना के तरफ से जिया याओ आता है। पूरा स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। जिया याओ फाइनल राउंड में जीत जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है जिया याओ अपने घर में होता है, जो बेड में बैठकर अपना फोन देख रहे होते हैं। उतने में वहाँ उसका बचपन का दोस्त पेंगजी आता है। जिया याओ उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेंगजी कहता है, मैंने तुमसे फोन में बात करने की पूरी कोशिश की लेकिन तुमने मेरे फोन नहीं उठाया और साथ ही मेरा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। आज रात स्पेशल तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी गई है, तुम्हें वहाँ रहना होगा। तभी जिया याओ कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पेंगजी कहता है, बड़े भाई ने पहले ही होटल का रूम रिजर्वेशन कर लिया है और हमें पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स मिल गई है, तुम्हें वहाँ रहना होगा। जिया याओ चुपचाप रहता है। फिर पेंगजी कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए पार्टी में जाने में इतना बड़ी बात क्यों है। क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था जिसके कारण तुम लोगों से नहीं मिलना चाहते हो? मैं वहाँ रहूंगा। जिया याओ कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एक आवाज सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि कौन बातचीत कर रहा है। तभी पेंगजी कहता है कि क्या तुमने कोई एक अजीब सा आवाज सुना? जिया याओ कहता है, कैसा आवाज? फिर वो ही आवाज सुनाई देता है। तभी पेंगजी चारों तरफ देखता है और फिर जिया याओ को पूछते हैं, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो ही आवाज आता है कि आप कैसे हो? तभी पेंगजी उठकर चारों ओर देखकर सोचते हैं, कहां से आवाज आ रहा है? और ये सब देखकर जिया याओ हंसने लगते हैं। एक्चुअली ये आवाज एक सीरिया का था जो ये सब सिखा कर रखा हुआ था। फिर सीरिया कहता है, मैं यहाँ हूँ। पेंगजी सीरिया को देखने के बाद जिया याओ से कहता है, ये मेरे बात करने की तरीके को नकल करने की कोशिश कर रहा था। तभी सीरिया कहता है, तुम मेरे बात करने की तरीका को नकल कर रहे हो। पेंगजी पूछता है, वापिस कैसे भोगता है? ऐसे ही सीरिया से कहने के बाद पेंगजी जिया याओ के पास आकर उसे कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैंने पहले भी बड़े भाई से प्रॉमिस किया है कि तुम पार्टी में दिखाई दोगी। यदि तुम वहाँ दिखाई नहीं दी तो पूरी तरह से शर्मिंदा मुझे होना पड़ेगा। चलो, इवन आर्यू भी वहाँ रहेगी। जिया याओ कहता है कि तो मैं तो सिरो वहाँ नहीं जा रहा हूँ। पेंगजी कहता है, क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स दिखने में बहुत खूबसूरत होती है और लंबे पैरों के साथ और बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन तुम उसके और आकर्षित क्यों नहीं होते? तो भी जिया याओ अपना एटीएम कार्ड उस पर फेंक कर कहता है, तुम मेरे तरफ से लोगों को टिप दे देना और बिग बार्डर को मेरे तरफ से शुक्रिया कह देना। बस तुम मेरे लिए इतना ही कर दो क्योंकि मैं बॉक्सिंग कंपटीशन के बाद थोड़ा सा थक गया हूँ। दोनों के बीच ऐसे बातचीत होती है। फ्री हमें जिया याओ को ही दिखाई जाता है जो वो अपने साथ चिड़िया को लेकर सड़क पर जा रहे होते हैं। उतने में एक औरत से मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच चिड़िया के बारे में लेकर बातचीत होती है और वो औरत जिया याओ से कहती है, तुम्हारा एज 26 तो हो ही गया
अब तुम अपने शादी के बारे में चिंता करना शुरू कर दो और तुम्हारे जैसा परफेक्ट क्वालिफिकेशन बॉय को तो हर कोई एक्सेप्ट कर ही लेगा। तुम्हें ऐसे सिंगल नहीं रहना चाहिए। उन दोनों के बीच ऐसे ही कुछ बातें होते हैं। फिर जाओ एक तालाब के पास जाकर वो पेंसी के साथ जो बातें कर रहे थे वही बातें फिर से याद कर रहे होते हैं कि तुम नॉर्थ ईस्ट के गर्ल्स को क्यों पसंद नहीं करते। उन लोगों के पैर बहुत लंबे और बहुत खूबसूरत होती है, क्यों तुम इम्प्रेस नहीं होते। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जाओ हाई स्कूल में था तब वो अपने लैपटॉप से एक वीडियो कॉल करते हैं एक लड़की से, जो वो लड़की अपने शरीर की आधे हिस्से को दिखाती है। उसे देखकर जिया के आंखें नहीं झपकी थी, वो अपना कंट्रोल खो देता है। एक्चुअली वो जिसे लड़की समझकर वीडियो देख रहे थे वो वास्तव में लड़की नहीं थी बल्कि एक लड़का था, जिसके बारे में बाद में उसे पता चल जाता है और वही सीक्रेट वो दिमाग में रखते हैं और किसी से भी शेयर नहीं कर पाता है। और उसने खुद से ही एक प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस जीवन काल में फिर कभी उस आदमी से मिले तो वो सिरो उसे नहीं छोड़ेगा। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं। फिर जिया वापस घर जाते हैं। जब वो सड़क पहुंचते हैं तब एक कार उसके सामने रोकते हैं और उस कार से एक लड़की बाहर आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। एक्चुअली वो लड़की दमर का दूसरा मेन कैरेक्टर का छोटी बहन होती है जिसका नाम इवन आर यू जिया के पास आती है और जिया उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। तभी इवन आर यू कहती है कि पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। जिया कहता है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। यूनारी कहती है तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। जिया कहता है नहीं तो, ऐसे कहकर वो फिर से जाने लगते हैं। फ्री यूनारू उसके हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो फिर जिया उसकी कपड़े देखकर कहता है कि तुम्हारा ये कपड़े बहुत कामुक है। तो फिर यान आर यू अपना पैर दिखाकर कहती है तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, सभी अच्छी और ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो फिर जिया उन सभी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की पीछे से आवाज लगाती है कि अरे कहाँ जा रहे हो। फ्री हमें डमा का दूसरा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इवान जोंग, जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी उसकी बहन उसके पास जाकर कहती है बड़े भाई मुझे फिर से एक लड़के से प्यार होने लगी है, लेकिन मैं उसका प्यार हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप उसे मेरे जैसा बनाइए, आप एकमात्र भरोसेमंद व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकते है। वो एक प्रमुख वंश के पोता है, लड़का अच्छा देखने वाला है, पूरी तरह से साहसी है जिसमें कोई बुरी आदत नहीं है, साथ ही साथ वो सिंगल भी है। मुझे बताओ तुम्हें ऐसा आदमी कहाँ मिल सकता है। इवान चोंग से कोई जवाब नहीं मिलने पर इवान आर यू फूट फूट कर बोली बस कुछ कहो। इवान चोंग कहता है अपने काम से काम रखो। इवान आर यू को अचानक एक विचार आता है जब वो अपने भाई को सुनती है और फिर बोलती है उसके पास स्टील का डील है, एक महिला कितनी भी मोहक क्यों ना हो वो पलक नहीं झपकाती है, अन्य पुरुष हमेशा संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो मेरे पैरों को देखते हैं, लेकिन वो एकमात्र मेरे पैरों को अनदेखा करते हैं। फिर से इवान जोंग की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आई। इवान आर्यू ने लगातार कहा इससे क्या साबित होता है, क्या आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अजनबी वास्तव में भरोसेमंद है। बड़े भाई प्लीज मेरी मदद करें, मैं सिरो हूँ, आप भी उसे देखकर पसंद करने लगोगे। तभी बड़े भाई कहता है तुम्हें ये सब खुद करनी चाहिए। फ्री हमें दिखाई जाती है जिया काम के बाद कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। तभी वहाँ पर इवान जोंग आता है और जब इवान जोंग से पूछता है कि आपको क्या चाहिए तब युवान जोंग बोलता है मुझे वही दे दो जो उस आदमी ने देखा है। यह बात सुनकर जिया युवान जोंग की तरफ हैरान होकर देखता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। गाइस इस धमाका ऑल एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पर चेक कर सकती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।